इस मूवी की शुरुआत होती है एक बैटलफील्ड से, जहां चारों तरफ लाशें पड़ी होती है। सैनिकों की बॉडी टुकड़ों में पड़ी होती है और हर जगह खून ही खून होता है। उन्हीं के बीच हमें एक इंसान दिखाई देता है जो एक प्रीस्ट होता है। वो इन लाशों के बीच से अपना रास्ता निकालते हुए दूसरे प्रीस्ट की तरफ जाता है जो मर चुका होता है। वो उनके हाथ से एक छोटी सी मूर्ति लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रीस्ट अचानक से उठकर उसे लेने से मना करता है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो पूरी जगह उल्टे क्रॉसेस से भरी हुई है। इसमें मरे हुए सैनिकों को उल्टा लटकाया होता है। आगे हम 1949 में जाते हैं, जहां मिस्टर मैरिन को देखते हैं, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन वो एक एक्सप्रेस भी होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम नेदरलैंड के एक छोटे से विलेज के एक हादसे से वो आज भी सैड होते हैं, जहाँ उन्होंने एक प्रीस्ट के रूप में काम किया था। उनके सामने एक नाजी कमांडर ने 10 लोगों को मार दिया था। उसने मैरिन को ही इन लोगों को चूज करने के लिए कहा था, नहीं तो वो वहाँ सभी गांव वालों को मार देता। मैरिन बहुत प्रे करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद से मैरिन उस हादसे को आज तक नहीं भूला। उसके बाद से वो कभी भी चर्च नहीं गया और उनके गॉड पर से विश्वास टूट गया। उसके बाद मैरिन से एक सेमिलियर नाम का एक आदमी मिलने आता है, जो एंटीक चीजों का कलेक्टर होता है, और वो बताता है कि ब्रिटिश केनिया के कॉलोनी में एक वैली है जहाँ खुदाई करते समय एक चर्च मिला है। ऐसी खबर है कि उस चर्च के अंदर एक एंटीक रेलिक है जो डीमन गॉड पजेसु का हेड है। वो मैरिन को एक मूर्ति भी देता है, जिसे हमने स्टार्टिंग में वो उस प्रीस्ट के पास देखा था। ब्रिटिशर्स को वो रेलिक मिलने से पहले मैरिन को वो रेलिक ढूंढ के निकालना होता है। इस काम के लिए मैरिन को बहुत पैसे ऑफर किए जाते हैं। मैरिन ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। मैरिन क्रेनिया पहुंच के फादर फ्रांसिस से मिलता है, जो एक वेटिकन स्कॉलर होते हैं, और इस काम में वो मैरिन की हेल्प भी करने वाले होते हैं। उन्हें एक ट्रांसलेटर और गाइड भी दिए जाते हैं, जो उन्हें साइट पे ले जाता है। कुछ देर ऑब्जर्व करने पर उन्हें पता चलता है कि ये चर्च 150 साल पुराना है, और उस समय तक वहाँ क्रिश्चियनिटी पहुँची ही नहीं थी, तो ये चर्च बनाया कैसे गया? और इतना पुराना होने के बाद भी एकदम अच्छी कंडीशन में था। इसका मतलब ये होता है कि इसको बनाने के साथ ही इसे दफनाया गया था। उस जगह के पास एक ग्रेवयार्ड था। कहा जाता है कि सालों पहले वहाँ कोई महामारी फैली हुई थी और सभी लोग मारे गए थे। फिर मैरिन, फ्रांसिस और चूमा चर्च के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ पेंटिंग्स और मूर्तियाँ दिखती है जो बहुत ही पुरानी थी। रोम के बाहर किसी चर्च के अंदर ये सब मिलना अजीब था। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लूसीफर की भी थी, जो शो करता था कि वो गॉड का सबसे फेवरेट हुआ करता था और कैसे उसने गॉड को बिट्रे किया और अपनी सेना बनाई और गॉड से जंग छेड़ दी, और इसलिए उसे स्वर्ग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। वहाँ पर और भी वियर्ड चीजें होती है, जैसे कि चर्च में एंजल्स के हाथ में कोई वेपन्स नहीं होते, और अगर होते भी है तो सब ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ हर एक वेपन नीचे की तरफ पॉइंटेड था। और सबसे ज़्यादा अजीब था कि किसी ने होली क्रॉस को उल्टा लटकाया हुआ था, जो शायद किसी शैतान ने किया होगा, लेकिन मैरिन को लगता है कि ये सब इंसान ने किया है। मैरिन चूमा से पूछता है कि यहाँ का लीड आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, शायद वो कोई हेल्प कर सके। चूमा बताता है कि उस आदमी का नाम बेसन है और वो पागल हो चुका है और उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया है। चूमा मैरिन को उनके टेंट दिखाने ले जाता है। अंदर सब सामान बिखरा हुआ होता है और वहाँ बहुत सारे स्केचेस बने थे। कुछ उस चर्च के बारे में थे और कुछ उस डीमन के थे। फिर मैरिन को वहाँ एक बहुत पुरानी लैंग्वेज में लिखे लिखावट मिलती है, लेकिन ये लैंग्वेज उसे नहीं आती थी। उसे मिलने जाने से पहले मैरिन इस साइड के हेड जेफरी से मिलने जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं। वो मैरिन से कहता है कि लोकल लोग चर्च के अंदर जाया नहीं करते, क्योंकि वो चर्च कर्स्ड है। जो एक जमीन के नीचे दफन था, उसे बाहर निकालना ठीक नहीं है। जब से यहाँ खुदाई शुरू हुई है, तब से यहाँ दिन में भी हाइनास घूमती रहती है। कई लोग गायब हो चुके हैं। उसके बाद मैरिन वहाँ की डॉक्टर सारा से मिलने जाते हैं। वो इन सुपरनैचुरल बातों को नहीं मानती, लेकिन यहाँ पर होने वाले हादसों के बारे में उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सारा ने बेसन को भेजने से पहले उसकी ट्रीटमेंट की थी, लेकिन उसे किसी भी चीज़ का कोई सिम्टम नहीं मिला। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम सारा को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ा था। उस वक्त उसे भी नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहना पड़ा था। उसका असर अभी भी उसके शरीर और मन में है, और उसके पास्ट की वजह से उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था।
उसी रात उस गांव में कुछ अजीब हादसे होते हैं। फादर फ्रांसिस जब प्रे कर रहे होते हैं तब होली क्रॉस बार बार उल्टा हो रहा था। दो बच्चे जेम्स और जोसेफ एक साथ खेल रहे थे तभी कुछ हाइनस जेम्स पर हमला करते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं, लेकिन वो जोसेफ को देखते भी नहीं, जैसे कि जोसेफ वहाँ था ही नहीं। इस हादसे के बाद जोसेफ को सदमा पहुँचता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन उसे क्या हुआ है ये किसी को नहीं समझता। मैरीन अगले दिन ही बेसिन से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है, मगर बेसिन को पहले से ही पता होता है कि मैरीन वहाँ आएगा। उसके सामने आते ही बेसिन कहता है अब मैं आज़ाद हूँ और अपना गला काटकर सुसाइड कर देता है। उसके बाद उस हॉस्पिटल के हेड मैरीन को एक बुक देता है जो कैथलिक रिचुअल्स के बारे में थी। उनका मानना था कि उस चर्च में कोई बुरी ताकत है जिसकी वजह से बेसिन सुसाइड करने पर मजबूर हुआ। मैरीन को बेसिन के पास से एक स्केच मिला था, उसे फॉलो करके उसे चर्च में एक अंडरग्राउंड पैसेज मिलता है और अंदर जाने पे उसे उसी डेमन गॉड पजेसु की स्टैचू दिखती है और उसका दिल गायब होता है। उसी रात एक प्रेग्नेंट लेडी एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है जिसका पूरा शरीर मैकॉथ से भरा हुआ था, और रात के अंधेरे में जेफ्रिस पर भी कोई हमला करता है। मैरीन को चर्च से आने पर इन सब बातों के बारे में पता चलता है। जब से जोसेफ हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है सारा को अजीब अजीब सपने आते हैं और जोसेफ की भी तबीयत दिन ब दिन खराब हो जा रही है, और उसने एक बार जेफ्रिस को भी कहा था कि ही इज कमिंग फॉर यू, और तब से ही जेफ्रिस गायब है। और तभी से गांव वालों को लग रहा था कि ये चर्च शापित है और अंदर कोई शैतान रहता है और उसने जोसेफ को पजेस किया है, लेकिन मैरीन ये बात मानने के लिए राजी नहीं था। नेक्स्ट डे ही बार में बहुत सारा खून और दांत नाखून पड़े हुए दिखाई देते हैं जो शायद जेफ्रिस के ही होते हैं। फादर फ्रांसिस को लग रहा था कि लोगों ने ही ब्रिटिश से बदला लेने के लिए जेफ्रीज का खून किया है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए फादर फ्रांसिस ऑफिसर ग्रैनविल को कांटेक्ट करते हैं। लेकिन मैरीन को फ्रांसिस का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि सोल्जर्स को बुलाने का मतलब है कि इन चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना। मैरीन को तो कोई शक नहीं था, उन्हें तो इसके पीछे का कारण सिर्फ वहाँ मौजूद ग्रेवयार्ड लगता था। उनके माइंड में था कि अगर वो प्लेग में सब लोग मारे गए थे तो उन्हें दफनाया किसने, इसलिए वो जवाब ढूंढने के लिए उस गाँव के हेड से मिलने जाते हैं। तभी मैरीन वहाँ देखता है कि वो लोग उस बच्चे की लाश को जला रहे हैं, मतलब लाशों को दफनाना इनके रिचुअल्स में है ही नहीं, तो उन ग्रेव्स में है कौन। इसके बाद मैरीन उसी रात उन ग्रेव्स को खोदने लगता है और एक के बाद एक बॉक्स निकालता है, लेकिन उनमें कोई भी नहीं था, वो सबके सब बॉक्स बिल्कुल खाली थे। फिर वो उसी रात फादर फ्रांसिस को कन्फ्रंट करते हैं और जवाब में उन्हें इस वादे की असलियत के बारे में पता चलता है। लगभग 150 साल पहले कुछ प्रीस्ट यहाँ पर आए थे ईविल के ओरिजिन ढूंढने के लिए, और उनके साथ लाखों सैनिक भी थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो शैतान से पजेस्ड हो गए और एक दूसरे को ही मारने लगे। बस एक ही प्रीस्ट जिंदा वापस लौटे थे और उनके कहने पर ही इस चर्च को बनवाया था। उसके बाद 1893 में 4 प्रीस्ट यहाँ आए और यहाँ के लोगों की मदद से इस राज को बाहर निकालना चाहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सभी लोग एक के बाद एक गायब हो गए, तो वेटिकन का मानना ही पड़ा कि यहाँ शैतान का वास है। तब उन्होंने झूठे कब्रिस्तान का निर्माण किया और लोगों को इस वैली से दूर रखने के लिए प्लेग की झूठी कहानी फैलाई, तो कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अभी फिर से वो शैतान वापस आ चुका है। फ्रांसिस यहाँ आए थे एक लेजेंड की सच्चाई जानने के लिए जो कहता है लूसीफर धरती पर जिस जगह पर गिरा था वो यही पॉइंट है, डेराटी वैली। मैरीन अब सच को झुटला नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने भी इस चर्च के नीचे उस शैतान के मंदिर को देखा है जहां पर उन्हें ह्यूमन सैक्रिफाइस के बारे में भी पता चला था। उसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि गांव वालों ने जोसेफ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस शैतान ने उल्टा उन पे ही हमला कर दिया। दूसरी तरफ ऑफिसर ग्रैनविल को चर्च के अंदर से जेफ्रीज की लाश मिलती है और उनका हार्ट भी गायब था। मैरीन को पता था कि शैतान लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करता है, तो वो ऑफिसर्स को चर्च के अंदर जाने से रोकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऑफिसर को लगने लगा था कि गांव वाले लोगों ने ही जेफ्रिस को मारा है, तो वो जाकर गांव के हेड को शूट कर देता है। बहुत जल्द वहां जंग होने वाली थी। चूमा मैरीन से जोसेफ को बचाने के लिए कहता है, उसकी जान खतरे में थी, तो मैरीन जोसेफ को फ्रांसिस के साथ उसी चर्च में भेज देता है क्योंकि ये लोग चर्च में नहीं जाते। और तब अचानक गांव में रेत का तूफान उठने लगा था। फिर मैरीन
सारा को बचाने जाते हैं, तब वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो देखते हैं कि उसका कमरा खून से लटपट है, उल्टे क्रॉस लटक रहे हैं और पजेसु डीमन का स्केच बना हुआ है जिसके सीने पर वो रेलिक था। मैरिन उस रेलिक को अपने पास रख लेता है। उन्हें वहां सारा की फोटो भी मिलती है उसके हस्बैंड के साथ, जो कोई और नहीं बल्कि बेसिन ही था। मैरिन को पहले से ही शक था कि जोसेफ पजेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कभी चर्च गया ही नहीं। मैरिन को समझने में देर नहीं लगती कि असल में शैतान जोसेफ के अंदर नहीं बल्कि सारा के अंदर है। उसने जोसेफ को यूज किया है। चर्च में सारा फादर फ्रांसिस पे हमला कर देती है और बाहर जंग शुरू हो चुकी होती है। इस सब के बीच मैरिन चर्च पहुंच जाता है, जहां सारा जोसेफ को बाहर जाने ही नहीं देती। सारा पूरी तरह शैतान के कब्जे में थी। शैतान उसे वश में करने की कोशिश करता है, उसके अविश्वास को मॉक करता है कि वो गॉड पर भरोसा नहीं करता तो गॉड उसकी हेल्प क्यों करेंगे। लेकिन मैरिन का विश्वास वापस आ चुका था। वो एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और शैतान उन्हें मेंटली फिजिकली अब्यूज करता है। फ्रांसिस की लाश को दिखाकर डराता है, लेकिन मैरिन बिल्कुल भी शैतान से डाइवर्ट नहीं होते। एट लास्ट वो शैतान को सारा के शरीर से निकाल तो देते हैं, लेकिन इस क्रिया में सारा की मौत हो जाती है। शैतान से मैनिपुलेट होकर ऑफिसर ग्रैंडविल ने भी सुसाइड कर लिया था और अब सिर्फ मैरिन और जोसेफ ही बचे थे। वो दोनों किसी तरह चर्च से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने हजारों लोग मरे पड़े थे। यहाँ इतिहास ने खुद को ही दोहराया था। पहले की तरह ही लोगों ने शैतान के वश में आकर एक दूसरे को ही मार डाला और वो चर्च फिर से वही रेत के नीचे दफन हो गया, साथ में वो रेलिक भी। एंड लास्ट सीन में हम मैरिन को सेमिलियार से मिलते देखते हैं। वो उसके लिए रेलिक तो नहीं ला पाए, लेकिन एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ अपने लिए लाए, उनका गॉड पर विश्वास। लास्ट में हम देख पाते हैं कि मैरिन फिर से एक प्रीस्ट बन गए हैं, फादर मैरिन।